पीएमएमएलए में सेक्शन 45 लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया, उनकी सरकार गिराने का काम किया। देश में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां ये या तो खुद आते नहीं है, आज जहां नहीं आए हैं वहां फिर उनके एमएलए खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनकी सरकारें गिरा रहे हैं, कहीं ईडी का दबाव डल रहा है, कहीं इनकम टैक्स का दबाव डल रहा है, कहीं सीबीआई का दबाव डल रहा है। आज इलेक्शन कमीशन पर भी एक तरीके से सवालिया निशान है, जब देश के 18 राजनीतिक संगठन उनसे पिछले 6 महीने से टाइम मांग रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, रिमोट से जब हम टीवी को कर सकते हैं, कार यहाँ से बाहर से बटन से हम सेंट्रल लॉकिंग खोल सकते हैं, तो क्यों नहीं ईवीएम में कोई हैकिंग हो सकती है, तो वीवीपीएट की पर्ची जो है वो सबको क्यों नहीं मिलती। एक साजिश के तहत सरकारी नौकरियों से हटाने का काम किया गया है, ठेकेदारी प्रथा लाई गई 2004 में, इसी विचारधारा की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की जब इस तरीके से लाया गया, पेंशन बंद करने का काम किया गया। अभी देश का संविधान पार्लियामेंट के सामने 4 गुंडों ने आके पार्लियामेंट सेशन चल रहा और जला दिया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने जला दिया। हमने उन पर मुकदमा किया, आज तक पुलिस उनको पकड़ने के लिए काबिल नहीं थी, फिर मुकदमा डाला है तब जाके उनको अरेस्ट किया गया। SC ST एक्ट के माध्यम से हम लोगों को थोड़ी सी सहूलियत है, ये थोड़ा सा कह लीजिए डर एक दबाव है कि दूसरा आदमी सोचता है कि चलो इन पर अगर अटैक किया तो एक SC ST एक्ट से हमें इनको एक शेल्टर मिलेगा, तो उस पर भी इन्होंने डाइल्यूट करने का इस सरकार ने काम किया था। धर्मवाद करके, जातिवाद करके हमें हर तरीके से पीछे रखने का काम इस जगह किया है। अभी जैसे प्रोफेसर साहब राजधानी कॉलेज में, मैं बताऊं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर कोई खतरा हो रहा है, देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप देख लीजिए कि वहां पर RSS और संघ ने अपने लोगों को एडहॉक टीचर्स को या परमानेंट टीचर्स को लगाना शुरू कर दिया है, और वहां पर उनकी हालात ये है कि कई 100 टीचर उन्होंने अपने लगा दिए हैं वहां पे, और जो हमारे एलिजिबल लोग थे उन लोगों को कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे कर दिया है, और वहां संघ के कोई लोग बैठे हैं जो लिस्ट बनाकर भेजते हैं और उन्हीं के लोगों को वो रिक्रूटमेंट करते हैं। वहाँ एकेडमिक काउंसिल का जो चुनाव होता था या EC का चुनाव होता था या तो और दूसरे डूटा के जो चुनाव होते थे उनमें भी उन्होंने एक तरीके से सारा अपने लोगों को भर्ती करने का काम कर दिया। यह तो एक उदाहरण दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। आप देश की किसी भी फील्ड में चले जाए, मैं समझता हूँ एक ही मानसिकता के लोगों को उन्होंने वहां पर डाल दिया है। ऐसा पहले भी सरकारें थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी सरकारों में भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न विचार के लोग रहते थे और कुछ अपनी बात रख सकते थे। अब तो देश में एक ऐसी अघोषित इमरजेंसी कह लीजिए कि आज कोई, हम सामाजिक लोग तो छोड़ दीजिए, जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े राजनीतिक लीडर हैं, या अगर कहा जाए कि प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी जो कि कांग्रेस है देश में, उसके सबसे बड़े नेता को एक मानहानि के छोटे से मामले में आप इतनी बड़ी जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सजा है, जो कि MM कोर्ट से आप दिलवाकर और उसकी सदस्यता भंग कर देते हैं, उसका बंगला छीन लेते हैं, फिर प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी के आप केवल 14 लाख रुपए उन्होंने कोई लेट इनकम टैक्स पे किया होगा तो उसके आप 65 करोड़ रुपए आप उनसे चार्ज कर लेते हैं इनकम टैक्स के, या जितनी और ऑल अपोनेंट पार्टीज हैं, अभी शिबू सोरेन जी जो XCM थे झारखंड के आदिवासी समाज से हैं, उनके बेटे जो है हेमंत सोरेन, उनको आपने कोई पुराना कभी मुकदमा 20 साल पुराना कोई एक जमीन का मामला है जिसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है, उस केस में ED ने आपने PMMLA में सेक्शन 45 लगाकर उनको अरेस्ट कर लिया, उनकी सरकार गिराने का काम किया। देश में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां ये या तो खुद आते नहीं है, आज जहां नहीं आए हैं वहां फिर उनके MLA खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उनकी सरकारें गिरा रहे हैं, कहीं ED का दबाव डल रहा है, कहीं इनकम टैक्स का दबाव डल रहा है, कहीं CBI का दबाव डल रहा है, और तो और इलेक्शन कमीशन TN सेशन के समय में मैं समझता हूँ कि बहुत ही लाइमलाइट में आए थे। आप सब लोग उस वक्त सब लोग यंग ही रहे होंगे जब TN सेशन आए थे, तो इलेक्शन कमीशन का पूरे देश में एक हल्ला हुआ था कि इलेक्शन कमीशन कुछ है, और लोग मानते थे कि इलेक्शन कमीशन एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट संस्था है जो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम करती है। आज इलेक्शन कमीशन पर भी एक तरीके से सवालिया निशान है, जब देश के 18 राजनीतिक संगठन उनसे पिछले 6 महीने से टाइम मांग रहे हैं और कुछ राजनीतिक लोगों को या सामाजिक लोगों को अवेयरनेस विसल ब्लोअर्स को ईवीएम पे शक है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, रिमोट से जब हम टीवी को कर सकते हैं, कार यहाँ से बाहर से बटन से हम सेंट्रल लॉकिंग खोल सकते हैं, तो क्यों नहीं ईवीएम में कोई हैकिंग हो सकती है, तो वीवीपैट की पर्ची जो है वो सबको क्यों नहीं मिलती, वो एक या दो लोगों को क्यों दी जाती है, वीवीपैट दिया जाए, तो उसमें इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक पार्टी से मिलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे हमारे साथी सामाजिक संगठन के लोग ईवीएम पर प्रदर्शन कर रहे हैं,
तो ईवीएम पर भी एक बहुत सवालिया निशान है। लोग कह रहे हैं, लोगों के मन में शक सुभा है कि चुनाव हो भी जाए और हम सब लोग वोट दे भी दें दूसरी पार्टी को, तो इसका कौन सा एक पैमाना है कि वो पार्टी जीती जाएगी, क्योंकि ईवीएम तो इनके हाथ में है और ईवीएम से ही अपना गड़बड़ झाला कर सकते हैं। इसके अलावा निजीकरण का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, ठेकेदारी प्रथा का एक बहुत बड़ा मुद्दा। आज से मैं समझता हूँ, अभी मैं अभी यहाँ नोट कर रहा था, तो सभी लोग लगभग गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ वर्किंग में है, दो तीन और कुछ रिटायर हैं, अगर मैं अपने को छोड़ दूं तो। लेकिन आज दूसरी स्थिति है, अगर आज आप ही के बच्चों या आपके रिश्तेदारों को देखा जाए तो उनमें से 5% लोग सरकारी नौकरी में होंगे, क्योंकि हमारे लोगों को एक साजिश के तहत सरकारी नौकरियों से हटाने का काम किया गया है। ठेकेदारी प्रथा लाई गई 2004 में, इसी विचारधारा की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, जब इस तरीके से लाया गया। पेंशन बंद करने का काम किया गया, अभी तो 8th पे कमीशन का कहीं दूर दूर तक कहीं चर्चा भी नहीं है कि कब आएगा, कब होगा। तो सरकारी कर्मचारी पर भी एक तरीके से कुठाराघात करने का काम इस सरकारों ने किया है। दूसरे हमारे और राजनीतिक मुद्दे जैसे हैं कि जिनमें कि हमारे लोगों को कैसे शिक्षा के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, वो कौन सी सरकार करेगी। हमें आज राम मंदिर की तरफ धकेल दिया गया या धर्म की तरफ भेज रहे हैं और शिक्षा की तरफ से हटाने का काम कर रहे हैं। इस पर एक काम करने का हमारा एक विचार है कि ऐसी सरकारों को लाएं, ऐसा दबाव हम बनाएं कि जिससे हमारा वोट ना बटे और हम सब इस पर काम करें। तो ये बहुत सारे ऐसे भिन्न 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 मुद्दे हैं जिनमें कि हम सब लोग चाहते हैं कि इन पर हम सब लोग जागरूक हैं और ऑलरेडी सभी अपने अपनी संस्थाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। इस मीटिंग के करने का मकसद यही है कि सब यहाँ लोग एक तरीके के विसल ब्लोअर हैं और एक तरीके के सिविल सोसाइटी के बहुत बड़े पुरोधा हैं और सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं। तो ऐसी मीटिंग ये घर घर तक पहुँचे, जैसे आज ये सारे 19 सेक्टर जो यहाँ पे वसुंधरा के हैं, एक से लेके हर सेक्टर्स में मीटिंग हो कि ये जो पार्टी है, ये जो विचारधारा है, जो अगर ये तीसरी बार आती है तो सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी चीज को होगा तो वो संविधान को होगा। और संविधान अगर नहीं होगा तो मैं समझता हूँ हमारी जितने धार्मिक ग्रंथ है, मेरा तो ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि जितने भी देश में धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों से ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा ग्रंथ है तो वो भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया वही सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसके अनुसार देश चल रहा है। और अगर आज वही खतरे में है, अभी देश का संविधान पार्लियामेंट के सामने 4 गुंडों ने आके पार्लियामेंट सेशन चल रहा और जला दिया और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के सामने जला दिया, हमने उन पर मुकदमा किया, आज तक पुलिस उनको पकड़ने के लिए काबिल नहीं थी, फिर मुकदमा डाला है तब जाके उनको अरेस्ट किया गया है। तो जब देश का संविधान पार्लियामेंट चलते चलते ये जला रहे हैं, देश के संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट कर रहे हैं, ये तो 2 अप्रैल की घटना आप सबको याद है, अगर सब लोग सड़कों पर ना आए होते तो इन्होंने तो SC ST एक्ट को भी अबॉलिश कर दिया था जो 1989 में बना था, उसमें बहुत सारी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से उसमें गड़बड़ कर दी थी कि अरेस्ट नहीं होगा किसी का, जो जाएगा तो उसको SC ST एक्ट नहीं। एक छोटा सा SC ST एक्ट के माध्यम से हम लोगों को थोड़ी सी सहूलियत है, ये थोड़ा सा कह लीजिए डर एक दबाव है कि दूसरा आदमी सोचता है कि चलो इन पर अगर अटैक किया तो एक SC ST एक्ट से हमें इनको एक शेल्टर मिलेगा, तो उस पर भी इन्होंने डाइल्यूट करने का इस सरकार ने काम किया था। ऐसे बहुत सारे अनेकों मुद्दे हैं, लेटरल एंट्री का मामला जो है, कितना एक मुश्किलात है कि आज बहुत सारे बच्चों को हम अपनी पढ़ाई की तैयारी करा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करो, लेकिन इस सरकार ने उसका भी एक नया अनोखा अनूठा तरीका निकाल लिया है कि लेटरल एंट्री से डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी उस मंत्रालय का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना के वो सब फाइलें उसी को मूव की जा रही है, वो मंत्रालय पूरा लेटरल एंट्री से जो ज्वाइंट सेक्रेटरी अपॉइंट हो रहा है भारत सरकार के द्वारा या एक विचारधारा के द्वारा वही चला रहा है। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप लोगों के माइंड में होंगे, अभी डिस्कस करेंगे इन सब मुद्दों से कैसे हमें छुटकारा मिले। तो इसका तो एक अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन तो यही है कि अभी समय जैसा कम है, 1-1.5-2 महीने बचे हैं, हम इस पर एक विचार बनाएं और इकट्ठे होकर हम लोग, मैं समझता हूँ, एक ताकत से और इस सरकार को रोकें, और ये सरकार रुकेगी तो दूसरी सरकार जो भी बनेगी, जिनकी भी बनेगी, उन पर भी एक दबाव होगा कि आज जब इस समाज ने एक मुश्त होकर इस अहंकारी सरकार को, इस सामंतवादी सरकार को, इस सांप्रदायिक सरकार को रोका है, इस जातिवादी सरकार को रोका है, तो कल अगर हमने इनके काम नहीं किए तो ये हमें भी हटा सकते हैं। तो इस तरीके का एक प्रेशर ग्रुप मैं समझता हूँ बनना चाहिए, और ये जगह जगह और बहुत सारी मीटिंग होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है, वीर सिंह बहुत साहब ने दिया है कि